तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। आज शाम को मुझे बहुत अच्छी फुर्सत मिली कई महीनों बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके जवाब दे दूं। ज़्यादातर सवाल तो ये थे कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। फिर कुछ ने कहा हम पेरेंट्स की तरह अपने बच्चे को यूपीएससी के लिए तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर कुछ ने कहा कि वो किताबें कौन सी हैं जो आप पढ़ते हैं, जिससे आपके इल्म में इतनी गहराई है, उन किताबों की क्या लिस्ट मिल सकती है। और उसमें भी ज़्यादातर लोग हिस्ट्री की किताबों को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि कौन सी हिस्ट्री की किताबें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ना नॉन ट्रेडिशनल इंसान हूँ, जब मैं बात करता हूँ ना थोड़ी सी लीग से हट कर करता हूँ, और मेरी बात बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, एक होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, जिसके नाम पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, बहुत सारे फेक गुरुज उसमें काम करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। दरअसल वो इतनी बनावटी डेवलपमेंट कोर्स होता है पर्सनैलिटी का कि आपको यूं लगता है कि यार ये आदमी इतनी बनावट से क्यों पेश आ रहा है, इसका असली चेहरा क्या है। इतरा कर, बलखा कर, आंखों को नीचे करके, पॉज लेकर, धीरे धीरे बोलना, इतना पेशेंस अब दुनिया के पास नहीं रह गया। तो मेरे नजदीक ये सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बिल्कुल झूठे हैं, गलत हैं, हमें वो कतई नहीं करना चाहिए। तो फिर पर्सनालिटी डेवलप किस चीज से होती है? सबसे पहले पर्सनालिटी क्या होती है? किसी भी पार्टी में, किसी भी सभा में, किसी भी बहुत बड़े जलसे में पर्सनालिटी उसकी डेवलप होती है जिस कोने में सबसे ज्यादा भीड़ लगी होती है, जिस इंसान के चारों तरफ सबसे ज्यादा भीड़ लगी होती है। फिल्म स्टारों के आसपास भीड़ लगी होती है, लेकिन वो मशहूर हैं, कामयाब नहीं है। कामयाब कोई और शय है, मशहूर होना कोई और शय है। मशहूर होना है तो शाहरुख खान से लेकर योयो हनी सिंह तक को हम देखने चले जाएं, लेकिन उनके बोलने पर हम एक बॉटल खून भी किसी को नहीं देंगे। मशहूर होना कुछ और है, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कामयाब होना मतलब एक ऐसा इंसान जो लोगों को एकजुट करता है। तोड़ना कितना आसान है, एकजुट करना कितना मुश्किल है। लोगों को एकजुट करता है, उन्हें गोल देता है, गोल को कैसे अचीव करे उसकी हिकमत अमली, ये उर्दू वर्ड है, इसका मतलब है उसका रास्ता दिखाता है। लीडर वो होता है जो जीना सिखाता है, मरना सिखाता है, लोगों को एक रिदम में बांधता है, एक दूसरे से लोगों के रिश्तों को मजबूत करता है। इसे पर्सनैलिटी कहते हैं, जिसकी बातों में सॉल्यूशंस झलकते हैं, जिससे 5 मिनट बात करने पे 7 से 8 काम की बातें मिल जाए। 2 तरह के स्पीकर्स होते हैं दुनिया में, हमेशा याद रखना। एक वो जो लच्छेदार बातें करते हैं, उनकी बातों में कुछ रहता नहीं है, कुछ मिलता नहीं, और एक वो जो इतना कठोर फैक्ट सुनाते हैं जिससे हमारा ना होल्ड, वो हमारा अटेंशन वो पकड़ लेते हैं और हम नहीं चाहते कोई हमें डिस्टर्ब करे, क्योंकि उसकी बातें हम बहुत गहराई से सुन रहे होते हैं। तो एक होते हैं वो जो फैक्ट्स को इस तरह पेश करते हैं, सच्चाई को इस तरह लाते हैं कि हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, और एक होते हैं जो फैक्ट और सच्चाई से हटाकर लंबी लंबी लच्छेदार लंबी लंबी बातें, उसमें कोई पर्सनालिटी जैसी बात नहीं। आप मशहूर हो सकते हैं साहब, आप कामयाब हैं, आपके कंधे पे पैर रखकर एक देश, एक समाज, एक कम्युनिटी यहां से वहां नहीं जा सकता। तो जिससे बात करने में सॉल्यूशंस मिलते हो, राह मिलती हो, गाइडेंस मिलता हो, जिसकी बातें ऊपरी और सतही ना हो बल्कि गहराई से, दिल की गहराई से बाहर आती हो, उसकी पर्सनालिटी को हम कहते हैं कि वाह, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं, जिसको देखकर दिल लगे यार काश मैं इस इंसान की तरह होता, उसे कहते हैं पर्सनालिटी, उसे कहते हैं लीडरशिप। किसी महफिल में, मजमे में, सभा में, गैदरिंग में सबसे ज्यादा भीड़ भी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द लगी होती है,
और एक जब ये बोल रहे होते तो सब लोगों के लिए जनरलाइज बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं भरता। तो इनके बोल कर खत्म करने के बाद हम चाहते हैं कि इनके पास जाकर कुछ पर्सनल बात करें, कुछ इन्हें अपने बारे में बताएं, कुछ इनके बारे में जानें। इसीलिए गलती से मैंने अपना ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर उस वीडियो में डाल दिया साहब, और जो मैसेजेस की झड़ी लगी है, पहले तो हिम्मत टूटी कि इतने जवाब देंगे कैसे, लेकिन फिर बहुत खूबसूरत वाला अपनापन भी महसूस हुआ कि इतने सारे लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं, जो इतना पूछना चाहते हैं, जो इतना जानना चाहते हैं। तो ना मैं IAS पढ़ाता था जब, बहुत दिल से रात दिन 6 साल रिजल्ट लाना था, IAS बनाना था, ऐसी मेहनत की कि खाने का टेस्ट भी नहीं आता था। किसी की मैयत में जा रहे हैं तो पढ़ते हुए जा रहे हैं, कोई पैदा हुआ तो वहां पहुंच ही नहीं पाया। अपने दोनों बच्चों की पैदाइश में मैं नागपुर पहुंच ही नहीं पाया, अपने नेटिव प्लेस में न्यू दिल्ली में ही रह गया। क्यों? क्लासेस लेनी है और 2.5 घंटा क्लास में बोलना, मतलब आपको 10 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ता, मिनिमम 6 मैक्सिमम 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ता। और पहले एक सच्चाई वाली बात, कोई 10 घंटा पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ सकता। क्यों? मजा ही नहीं आता, 25 मिनट के बाद आपका मन ही नहीं लगता। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जिस इंस्टीट्यूट का मैं पार्ट था, वो इंस्टीट्यूट जिसमें IITians थे, MBBS थे, बहुत शानदार, और 2 ही टीचर थे, एक मेरे हमारे पूरी सर थे, एक मैं था। तो उस इंस्टीट्यूट में थोड़ी सी भी लच्छेदार बात करने पर वो IITian, वो MBBS उठकर चले जाते थे। तो समझ में आता था कि कॉन्क्रीट फैक्ट्स के साथ बात करनी है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसको कहते हैं बच्चों, जो बात दिल की गहराई से हिदायत वाली, हिदायत मतलब गाइडेंस वाली, लाइट दिखाती हुई, रास्ता दिखाती, कोई आपसे 5 मिनट भी मिले तो उसे यूं महसूस हो कि जैसे उसने सदियां आपके साथ बिताई और आपने उसको इतना अच्छा बताया कि आपको वो हमेशा याद रखे। ऐसा दुनिया का एक ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, और उस कोर्स को कहते हैं UPSC का सिलेबस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस। उसकी वजह है, इसका जो सिलेबस है वो ऐसा पारस मनी है कि अगर कोई अपना 1 साल पूरा डेडिकेटेड दे दे, 7 महीने प्रीलिम्स से पहले, 7 महीने छोड़िए, 5 महीने दिल लगाकर प्रीलिम्स से पहले, ओढ़ना बिछौना कहते हैं, ऐसे हिंदी में कहते हैं ओढ़ना बिछौना, खाना पीना सब UPSC हो गया, तो प्रीलिम्स निकल जाता, और अपनी जानकारी को सिलेक्टेड वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करके बहुत खूबसूरत आंसर लिखने वाले को मेंस निकल जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब पढ़ाई में मजा आता हो। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स इसलिए है कि ये 7 ऐसे सब्जेक्ट हमको पढ़ाता है जिन सब्जेक्ट्स की डिमांड कयामत के दिन तक इस दुनिया में रहेगी। हर बेहतरीन पढ़े लिखे इंसान की पर्सनालिटी बेहतरीन होती है, और हर बेहतरीन पढ़े लिखे इंसान जिसकी पर्सनालिटी बड़ी मैग्नेटिक है, उसके पास आज के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आज के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे कल में होता है, और हम उस कल को हिस्ट्री कहते हैं। हम उतने उस कल को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता, लेकिन जब हम हिस्ट्री पर रिफ्लेक्ट करते हैं, बैठकर सोचते हैं, उर्दू में एक बड़ा अच्छा वर्ड है तफक्को करते हैं, तफक्को का मतलब होता है बहुत गहराई से फिलोसॉफिकली सोचते हैं अपने पढ़े के, तब हमको ऐसे मोती और कोहिनूर मिलते हैं जिससे हमको आज के मौजूदा पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम्स और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। पूरी दुनिया के इतिहास को, खासकर अपनी कंट्री के इतिहास को जानना, ये पर्सनालिटी और UPSC
और पढ़े लिखे और सुशिक्षित होने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और दुनिया में ना किसी का इतिहास इतना खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत हमारे देश का इतिहास है। सारा हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ट्रेडिशंस, हम कहां से आए, कहां कहां पहुंचे, ये एंशियंट है। और एक होता ना एग्जाम की तैयारी करना साहब, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बहुत सारे हैं यूट्यूब पे बड़े मशहूर हैं, 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो लोग पढ़ाते नहीं हैं, वो इधर उधर की बात करते हैं और वो इधर उधर की गई बातों को काट कर इंस्टाग्राम की रील पर और यूट्यूब पर जब डाल देते हैं तो हम उनसे मोहित होकर उनकी क्लास में पहुंच जाते हैं, जब पढ़ाई का अंश बहुत कम होता है और इधर उधर की लच्छेदार बातें ज्यादा होती हैं। हमें ऐसे टीचरों से कम हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में, जब हमारी पर्सनालिटी बन रही है, कम से कम तब हमें उनसे बचना चाहिए। और हिस्ट्री एक होता ना पढ़ना एग्जाम के लिए, इस तरह पढ़ लो, उस तरह पढ़ लो, निमोनिक्स बना लो, शॉर्टकट बना लो, इसका एक राइमिंग बना लो, इसके अल्फाबेट जमा कर लो, सब घटिया तरीका है। भले एग्जाम पास हो जाओगे पर पर्सनालिटी कभी मैग्नेटिक नहीं होगी, कोई नहीं जानेगा इस दुनिया में। अपने सीधे दिल पर हाथ रखकर बताओ मुझे, कितने कलेक्टरों का नाम जानते हो? जिनका यूट्यूब चैनल है उन्हीं में से 1-2 का जानते होगे, सारे कलेक्टरों का नाम भी नहीं जानते। क्यों? बहुत सारे लोग इसी घसियारी पढ़ाई से कलेक्टर बने हैं, अगर बन गए हैं तो। लेकिन एक होता ना पढ़ने का लुत्फ लेना, उसमें खोना, उसकी गहराई में उतरना, चीजों को बड़ा ही एंजॉय करना, समझना कि यार लिखने वाले ने क्या लिखा है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास चाणक्य के अर्थशास्त्र से पढ़ना, और ऐसे के पेपर के लिए चिंपैंजी पॉलिटिक्स, इंसानों में जैसे पॉलिटिक्स होता है ठीक वैसा ही पॉलिटिक्स चिंपैंजीज में भी होता है, इस किताब को खत्म करना और ऐसे के पेपर में इस किताब से कोट करना। और सिर्फ ऐसे के पेपर में नहीं, जब आप किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हो और आपको घेर के लोग सुन रहे हो कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों में गहराई है, वहां चिंपैंजी पॉलिटिक्स से कुछ कोट करना, लोगों को बताना कि यार ये किताब पढ़ कर देखो, वो आपको एक सोशल करेंसी देता है जिससे आप उस कंपार्टमेंट के राजा बन जाते, जिससे आप उस कंपार्टमेंट के राजा बन जाते। या चाणक्य की अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य से कुछ अच्छा कोट करना, गहराई से समझना कि चाणक्य नीति क्या है, क्या चाणक्य नीति आज के जमाने में अप्लीकेबल है, क्या चाणक्य अपने जमाने के सबसे बुद्धिमान इंसान थे, और क्या वो मोराल रखते थे कि बस हुक और क्रुक सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। हर्षचरित्र के राइटर बाना भट्ट ने चाणक्य के बारे में इतनी तीव्र आलोचना क्यों लिखी है? फिर एक ऐसा ही था हुक और क्रुक सब सिखाने वाला, सांप दाम दंड भेद सिखाने वाला, जो मैकियावेली कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो भी ये चतुराई, ये चालाकियां, ये मक्कारियां जब सिखाते तो हमारे चाणक्य जो है वो उनसे अलग कैसे थे? और चाणक्य की गहरी सोच क्या आज के रियल पॉलिटिक्स में हम यूज कर सकते हैं? इन बातों के कंपेरिजन में खोना ना सिर्फ एग्जाम पास करवाता है साहब, बल्कि आपकी पर्सनालिटी में निखार पैदा करता है। इस प्रोग्राम को बनाते समय हम चाहते यही थे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में खोकर डूबकर एक बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड फिलोसोफर, गहरी सोच, तफक्को, विजडम रखने वाली लीडरशिप इस देश में पैदा हो, इस देश में पैदा हो। क्योंकि जो लोग अभी लीड कर रहे हैं ना साहब, उनके आपराधिक रिकॉर्ड और उनके कम पढ़ा लिखा होना, पूरा देश इसकी सजा भुगत रहा है, पूरा देश इसकी सजा भुगत रहा है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं इतिहास की उन बेहतरीन किताबों का नाम आपको बताना चाहता हूं, जिसको सुनने पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसी तैयारी करनी है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, क्योंकि अगली बार आपको उन किताबों का नाम ढूंढना पड़े ना, तो इतना ना सुनना पड़े। मैं बात करना चाहता था इसलिए शायद कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन अगले एपिसोड में मैं सिर्फ किताब किताब के नाम बताऊंगा।
चलिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए alifs.org समीर सदीकी को और करे अपने UPSC PCS का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।